किस तरह लिंक्डइन से क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया था कि एक क्लाइंट ने मुझे लिंक्डइन से ही अपवर्क पे हायर किया, तो उसने मुझे किस जॉब पे हायर किया था वो मैं आज आपको बताऊंगा, और मुझे क्या काम करना था, और उसने मुझे कितने डॉलर का वर्क दिया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपवर्क की जॉब की जो डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने अपवर्क से कॉपी करके यहाँ पेस्ट की हुई है। मैं आपको डायरेक्ट अपवर्क पे भी ये जॉब दिखा सकता था, लेकिन आपको भी पता है कि रिसेंटली हिशाम सरवर सर के चैनल पे अपवर्क ने स्ट्राइक लगा दिया, तो उन्हें सारी वीडियोस रिमूव करनी पड़ गई। तो मैंने भी पहले दो वीडियोस अपलोड की हुई थी तो वो मुझे रिमूव करनी पड़ी, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे फ्यूचर में और वीडियोस रिमूव करनी पड़े। तो सिंपल मैं आपको ये डिटेल में नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे करना क्या था और क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन क्या थी। तो ये क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन है, तकरीबन आप देख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। क्लाइंट के पास दो कंपनीज हैं, आईबी एंड बेज फ्लो। तो इन दोनों कंपनीज के लिए उसे 50-50 लीड चाहिए थी। तो ये देखिए उसने यहाँ लिखा हुआ है $25 पर 100 क्वालिटी लीड्स। तो आईबी के लिए जो लीड्स फाइंड करनी थी वो क्या करने थे कि हाउस इंस्पेक्टर कंपनीज इन द यूएस, और जो टाइटल उसने बताए थे वो मैनेजर ओनर एंड डायरेक्टर। ये जो फील्ड हमने फाइंड करनी थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर ऑफिस और मोबाइल वेबसाइट स्टेट कंपनी ने। तो सर पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने आईबी कंपनी का वर्क किस तरह किया। तो ये देखें मैंने लिंक बनाया हुआ है होम इंस्पेक्टर कंपनी इन कैलिफोर्निया। मैं यूएस से इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि कम रिजल्ट आता, तो मैं अब स्टेट्स को लेके चल रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंपनी फाइंड कर सकूँ। ये लिंक बना था इंस्पेक्टर कंपनीज के लिए, तो मैंने ये कुछ कंपनीज चेक की हैं, इनका डाटा नहीं मिल रहा, तो इस कंपनी का डाटा मिल रहा है, तो मैंने किस तरह फाइंड किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसकी वेबसाइट ओपन की है। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ नीचे आएंगे, ये देखिए ऑनर का नेम लिखा हुआ है। सिंपल इस नेम को कॉपी करेंगे, और ये देखें मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले चेक किया हुआ है, इस डोमेन पे इसकी ईमेल नहीं बनी। तो किस तरह इसकी ईमेल फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी कंपनी की लिंक्डइन नहीं मिल रही, मतलब अगर आप यहाँ देखें तो लिंक्डइन का कोई लिंक नहीं है, तो हम किस तरह इसकी लिंक्डइन फाइंड करेंगे। आपने सिंपल डोमेन कॉपी करनी है, डोमेन कॉपी करके उसके आगे लिख देना है लिंक्डइन। तो ये देखें मुझे कंपनी की तो नहीं लेकिन ऑनर की लिंक्डइन मिल गई है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब ये अभी लोड हो रहा है, तो मैंने अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हो तो मैंने आपको एक टूल बताया था कैंडू, जो आपको पर्सनल ईमेल और पर्सनल फोन नंबर देता है। तो ये देखें इसने पर्सनल ईमेल फाइंड कर लिया, तो यहाँ से आप शो इन्फो पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको वो बुक शीट दिखाता हूँ जिसमें हम वर्क कर रहे थे। तो ये है आईईबी कंपनी, तो फर्स्ट कंपनी का पर्सन ऑलरेडी डला हुआ है, तो मैं ये डालना नहीं चाहता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इजीली एक लीड मैंने फाइंड कर ली। अब मैं आपको बताता हूँ कि बर्ड फ्लो के लिए हमने किस तरह लिंक बनाया। ये देखें बर्ड फ्लो का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफिकल्ट था। इसमें क्लाइंट ने ये कीवर्ड्स बताए हुए हैं, एचवीएसी कंपनीज, बिल्डिंग, रूफिंग, पेंटिंग, प्लम्बरिंग
और ये कुछ कंपनी साइज और 10 से 50, रेवेन्यू 1 मिलियन, मिनिमम ऑफ 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बिजनेस। तो वही प्राइस सेम। तो मैंने क्लाइंट को, जब मैंने ये क्राइटेरिया लगाया था, तो मैंने क्लाइंट को कहा कि इस क्राइटेरिया पे कंपनीज नहीं आ रही, रिजल्ट शो ज्यादा नहीं हो रहा। तो क्लाइंट ने मुझे अलाउ कर दिया था कि आप विदाउट ये फिल्टर के यूज करो। तो सिंपल, अब मैं आपको बताता हूँ। आप ये लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर एक फ्री टूल है, फ्री मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, तो आप ये यूज कर सकते हैं। मैं भी ये यूज कर रहा हूँ। आप डिफरेंट लिंक्डइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एक ही नेम पे। जब आप फ्री ट्रायल यूज कर ले तो कोई और ले क्रिएट कर ले। तो अभी मेरा जो है ये प्रीमियम है, फ्री वाला नहीं है। तो ये देखें, मैंने यहाँ HVAC कंपनीज दिया और यहाँ मैंने लोकेशन दे दी US। तो 1K+ कंपनीज आ गई। तो इस शीट को मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बर्ड फ्लू की शीट। इसमें देखें आप कितना रिजल्ट आ रहा है। तो कौन सी कंपनी फास्ट हुई पड़ी है मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली सेकंड वाली कंपनी फास्ट हुई पड़ी है। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्लाइंट ने हमें कहा था कि जो बज फ्लो वाली कंपनीज है ना, उनके आपने डिसीजन मेकर्स में से एक फाइंड करना है। तो इसके 3 डिसीजन मेकर्स है, इनमें से एक की ईमेल तो मिल ही गई होगी, तो वही डली होगी। तो वर्क मैं एक्चुअली खुद नहीं करता, मैं अपने, मेरे पास टीम है तो मैं उनको असाइन कर देता हूँ, वो खुद वर्क कर लेते हैं, बस मैं उनको समझा देता हूँ। तो इस वर्क के तकरीबन मुझे क्लाइंट ने, ये $25 का एक माइलस्टोन था 100 लीड्स के लिए, तो तकरीबन क्लाइंट ने मुझे 8 माइलस्टोन सेंड किए हैं और वो कंप्लीट हो गए हैं 1 मंथ के लिए। मतलब 1 मंथ के लिए क्लाइंट ने 8 माइलस्टोन सेंड किए हैं। शुरू में उसने मुझे कहा था कि मैं आपको पर मंथ 500 ईमेल्स का टारगेट दूंगा। तो मैंने उसे 2 वीक में ही 500 ईमेल्स कंप्लीट कर दी। तो उसने कहा था कि नेक्स्ट, आप नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।